दिवाली निकल गई यार। इस बार भी कुछ खास मजा ही नहीं आया। सोचा था पड़ोसियों से नए गिफ्ट मिलेंगे, पर वही पुराने सोन पापड़ी और जूस के पैकेट। फोन पापड़ी दिवाली की अंडरटेकर है, पूरे फल कब्र में, दिवाली पे खबर में। इतना तो साला कोलंबस नहीं घूमता होगा जितना एक घर की सोन पापड़ी पूरे मोहल्ले में घूमती है। साली हमारी सोन पापड़ी हमें 3 दिन बाद वापस मिली। पटाखे फोड़े? कहाँ यार, अब तो मन ही नहीं होता। अब तो मन करता है आराम से छत पे लेट के आसमान में रंग बिरंगे स्काई शॉट देखूं, लेट के स्काई शॉट देखने का मजा ही कुछ और है। है ना? इतने कलरफुल। मेरे वाले वाइट होते हैं। कहाँ मुंह दे आया? ये क्या? वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? कैसे कुछ नहीं? चेहरा देख अपना, जगह जगह लगी हुई है। क्या हुआ है? क्रिकेट खेल रहा था तो बॉलर ने बाउंसर मारी, मुंह पे लग गई। मतलब बॉल पहले यहाँ लगी फिर माथे पे लगी। हाँ, 3 बॉल पे 3 बाउंसर। मैंने वादा क्रिकेट खेला नहीं, पर एक ओवर में 2 ही बाउंसर अलाउड होती हैं। अंपायर ने उसको बॉल कैसे डालने दी? पैजो स्टेडियम में थोड़ी खेल रहा था, गली में खेल रहा था, वहाँ अंपायर थोड़ी होता है। पर जब हम गली में खेलते थे तो मैं अंपायर बनता था। आलसी, उंगली करने का शौक। पर ये बॉल लगने का निशान नहीं है, सच सच बता। साइकिल पे व्हीली मार रहा था तो गिर गया। मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं, लेकिन अगर व्हीली करते टाइम कोई गिरेगा तो उसकी पीठ टूटेगी, मुंह नहीं। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टॉप ही मार रहा था। मैंने ज्यादा साइकिल हलाई नहीं, लेकिन तूने कुछ नहीं किया फिर भी सब पता है। अब तू बकचोदी मार रहा है, सच सच बता क्या हुआ है? लड़ाई हो गई। किसके साथ? विक्की खोसला। इसकी माँ का फोफड़ा। भाई 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 भाई, 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 भाई। किस बात पे? तूने उसके घुफंड मारे नहीं मारे? मारे मारे, पर लगे नहीं बैंचो। मतलब उसके पहले मुक्के में मुझे सब ना धुंधला धुंधला दिखने लगा, फिर मैं ऐसी हवा में मार रहा था, फिर कहीं और से मुक्के आ रहे थे। किस बात पे हुई लड़ाई? इसको लड़ाई नहीं कहते, लड़ाई में दोनों तरफ से हाथ हलते हैं, पर हमारे भाई साहब फिर नुन्नू मलते हैं। किस बात पे हुई ठुकाई? साला ने कल मुझे बोला कि सस्ते में आईफोन X दिलवाता हूँ, तू पैसे लेके पुराने किले के पास आ जा। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। फोन का डिब्बा घर पे लाके खोला तो उसमें से नोकिया 3310 निकला। मैंने कहा बहन, जो भाई के साथ होगा, आईफोन X बोल के निकला 3310, यही इज्जत रह गई बस। आईफोन X नहीं 10 होता है, होती है। लोटे पे नहाने वाला पूल में कूदेगा, मेरा पकड़ के झूलेगा। जो भी हो बहनचो, बचपन से किस्मत ही खराब है। एक दिन मैं टेकन की सीडी लाया तो उसमें से महाभारत निकली। मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं, तो साली रशियन डबिंग। सस्ता माल खरीदेगा तो ऐसे होगा। नादान जानवर है तू, इस जंगल के जुल्म झेल सकता नहीं, बनना है तो जिराफ बन, हर कोई उसकी ले सकता नहीं। साले को फोन किया तो कहता मॉल आ जा, मैं चला गया। मैंने कहा विकी भाई थोड़ी गलत फहमी हो गई, आईफोन के डिब्बे में नोकिया का फोन निकला है, तो कहता जिसकी जैसी शक्ल। मैंने कहा बैंचू, मेरे फेसबुक मैसेंजर के अदर फोल्डर में लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। टिंडर पे राइट स्वाइप करता हूँ तो पता लगता है लड़की ने ऑलरेडी सुपर लाइक किया और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। माना कि आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं टिकी लेकिन वो म्यूचुअल था और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। मैंने कहा भाई तू मेरे पैसे वापस दे दे। कह रहा पैसे तो नहीं मिलेंगे, उसकी शॉपिंग कर ली, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शॉक तो लगेगा ही। ना ना, एस्केलेटर पे खड़ा था तो वो अचानक चल पड़ा। oh, तो घूम के नीचे आया और उसको समझाया कि भाई देख ये गलत है। फिर कहता जितनी स्पीड से आया ना उतनी स्पीड से वापस निकल ले। फिर मुझे चढ़ा गुस्सा, फबाफ, मैं मुड़ गया और चलने लगा। What? फिर पीछे से आवाज आई, अबे सुन, अपने बाप को बोलियो लीजा की चूड़ियां तुझे पहनाए। अब होगी कुटाई। मैंने सोचा सही कह रहा है बहनचो, अब इतनी सारी लड़कियों के सामने बेइज्जती तो हो ही गई थी, अब मैं दुआ करने लगा कि सड़क पे मुझे कोई ट्रक वाला ही उड़ा दे। इतने में पीछे से आवाज आई, अबे नपुंसक, अपने गांडू दोस्तों के पास जा रहा है क्या? देखो तुम दोनों दुनिया के सबसे बड़े गांडू हो, पर तुम मेरे गांडू हो और किसी को हक नहीं है तुम्हें गांडू बोलने का। मैं मुड़ गया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और कहा सुनो ये दो कौड़ी के आदमी। क्या? सुनो ये दो कौड़ी के आदमी। आदमी क्या होता है? आदमी बोलने वाला था, उसने बीच में ही मुक्का मार दिया। मेरे भाई को मारा, कॉलर का उसको, साले को आज सबक सिखाते। हेलो, सुन बे, अगर तूने आज वाली बात किसी को भी बताई तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो तो तू आज मेरे पैरों में गिर के रोने लगा, नहीं तो भूत बना देता तेरा। तू इसके पैरों में गिरा? और वो जो पूरा टाइम मेरा शॉपिंग बैग लेके पीछे पीछे चल रहा था, उसके 50 रुपए भी ले लियो मुझसे। तू इसका बैग लेके पीछे पीछे चल रहा था? अपना ही फिक्का खोटा है, उसकी टट्टी भी दिलवा देता। तुम लोगों ने गॉडफादर देखी है? क्यों? देखी? I'll make you an offer you can't refuse. गुटका थूक ले भड़वे। अबे ओ सुन,
बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे। अब हम तुझे बताते हैं हमारे दोस्त से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आधे घंटे के अंदर अपने घर के बाहर आके खड़ा हो जा और अपनी माँ को बोलियो बाम निकाल के रखे, बाम आ रहा है। समीर स्कूटी की चाबी निकाल। एड्रेस क्या है? मुझे क्या पता। अबे जिसको मारने जा रहे हो उसके घर का एड्रेस नहीं पता क्या चूतिया है? फोन कर वापस। अबे क्या इतना डर गया क्या? एड्रेस बताना ही भूल गया। गली नंबर 11 गुंडा नगर। आवाज में कप कपाट लग रही है, यही तो दहशत है हमारी। पुराना अखबार और दुश्मन की गांड जहां मिले फाड़ दो। बैट उठा, अपनी स्कूटी लेके उसके घर के बाहर मिल। तू कैसे आएगा? अपनी स्कूटी पे, नो ट्रिपलिंग। आदर्शवादी गुंडा। गाइस गो हार्ड और गो होम। वो भी यही कहती थी। तू बता नहीं सकता था उसके दो भाई और हैं? मुझे क्या पता मैं चूँ। दो भी घाट में जैसे कपड़े धुलते हैं वैसे दो रहा था वो। क्या हुआ? तू कहाँ था? मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था, भरवाने गया था। अच्छा खासा पिट के आ गया था घर में। जो तुम दोनों की वजह से एक और सेशन हो गया। ये क्या हुआ? मम्मी वो स्टेज प्ले की तैयारी कर रहे हैं हम दोनों, रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा सुन, मैं जो टमाटर लेके आई थी ना वो सड़े हुए निकले, जाके वापस करा। कहाँ से लाई थी? गली नंबर 11 गुंडा नगर। हाँ, और उसको बोलियो टमाटर लाल होने चाहिए। गए थे मारने एक को, मिल गया वहाँ झुंड। गो गेट लाल लाल टमाटर विथ योर लाल लाल बूंद।